नमस्कार, विमल स्मार्ट किचन में आपका स्वागत है। कोई भी स्नैक्स चटनी के बगैर अधूरा है। आज मैं आपको धनिये की तीखी चटनी और इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाना बताऊंगी, जो कि हर स्नैक्स की जान है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए बनाना शुरू करते हैं। एक बाउल हरा धनिया। देखिए, हरा धनिया को अच्छी तरह से 3-4 बार पानी से धोकर उसकी गंदगी और मिट्टी निकाल ली है। हमने धनियों के पत्ते ही नहीं लिए हैं, उसकी स्टेम भी ली है। मोटी मोटी डंडियां हटा दी हैं और पतली स्टेम ली है, जो जूसी होती है। इसमें चटनी का टेस्ट भी बढ़ जाता है। एक मिक्सी जार लें, उसमें धनिया डालें। हमने 6-7 हरी मिर्च ली है। आप अपने टेस्ट के अनुसार हरी मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा अदरक डालें और 2-3 टेबलस्पून भुनी हुई मूंगफली डालें। हमने मूंगफली को 2 मिनट ड्राई रोस्ट करके उसका छिलका उतार लिया है। मूंगफली डालने से चटनी ज़्यादा दिन तक खराब नहीं होती है। 1 टीस्पून सेंधा नमक, 1 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून काला नमक, 1 नींबू का रस डालें। आप नींबू की जगह अमचूर या इमली का पल्प भी ले सकते हैं। आप नमक अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। चलिए अब इसे पीसते हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर पीस लें। आपने देखा ही होगा, कई बार चटनी काली पड़ जाती है। हम ज़्यादा दिनों तक चटनी को हरा रखने के लिए क्या करें? मार्केट वाले चटनी को हरा रखने के लिए कलर डालते हैं, पर मैं आपको चटनी को हरा रखने के लिए एक ट्रिक बताती हूँ। हम इसमें 4 टेबलस्पून फ्रेश मटर डालते हैं। आप फ्रोजन मटर भी ले सकते हैं। मटर डालने से चटनी काली नहीं पड़ेगी। देखिए, चटनी बनकर तैयार है। कलर भी कितना अच्छा आया है। आप इस चटनी को एयर टाइट कंटेनर में डालकर फ्रिज में 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। इस चटनी का मजा पराठा, रोटी, नान या किसी भी स्नैक के साथ ले सकते हैं। अब मैं आपको इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाना बताऊंगी। इमली की चटनी बनाने के लिए इमली का पल्प तैयार करते हैं। एक पैन में 1 कप पानी डालें और गरम करें। पानी के गरम होने पर उसमें 200 ग्राम इमली डाल दें। इमली को गरम पानी में भिगो दें। 15 मिनट भीगने पर इमली सॉफ्ट हो जाएगी। हमने बीज वाली इमली ली है, आप सीडलेस इमली भी ले सकते हैं। देखिए, इमली भीग चुकी है। अब इसका पल्प निकालते हैं। पल्प निकालने के लिए एक बाउल लें, उसके ऊपर छलनी रखें और इमली को स्ट्रेनर में छान लें। इस तरह चम्मच से दबाते हुए उसका पल्प निकालें। इमली की खट्टी मीठी चटनी समोसे, पकोड़े, दही वड़ों के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। देखिए, इमली का पल्प निकल गया है। अब एक कढ़ाई को गैस पर रखें, उसमें 1 टेबलस्पून ऑयल गरम करें, 1/2 टीस्पून जीरा डालें और 1/2 टीस्पून हींग डालें। जीरा भुनने के बाद उसमें इमली का पल्प डाल दें। इमली को 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर पका लें।
5 मिनट पकने के बाद अब इसमें 150 ग्राम गुड़ बारीक काट कर डालें और मिला लें। गुड़ के मेल्ट होने तक अच्छी तरह पका लें। अब इसमें मसाले डालते हैं। इसमें 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर डालें। अब इसमें 50 ग्राम चीनी डाल दें। आप सारा गुड़ भी ले सकते हैं। जैसे अगर आपने 200 ग्राम इमली ली है तो उसमें 200 ग्राम ही गुड़ डालें। हमने इसमें 150 ग्राम गुड़ डाला है और 50 ग्राम चीनी डाली है। चीनी डालने से इमली की चटनी की मिठास अच्छी आती है। अब इसमें 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालें। ये ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं। मैंने कश्मीरी लाल मिर्च कलर देने के लिए डाली है। बाजार वाले इसमें रेड फूड कलर मिलाते हैं, आप एक चुटकी रेड कलर भी मिला सकते हैं। इसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट पाउडर डालें और मिला लें। मैंने इसमें थोड़े से खरबूजे के बीज डाले हैं। आप इसमें खजूर, किशमिश भी डाल सकते हैं और गैस बंद कर दें। अब इसको ठंडा कर लें। ठंडा होने पर इमली की चटनी गाढ़ी हो जाएगी। देखिए, मैं इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ कितनी गाढ़ी हो गई है। चटनी को ठंडा करके एयर टाइट कंटेनर में डालकर फ्रिज में 1 महीने तक आप स्टोर कर सकते हैं। चटनियों के बिना स्नैक्स अधूरे हैं। आप इसको समोसा, कचौड़ी, पकौड़े, सैंडविच, दही बड़ा, पापड़ी चाट के साथ ले सकते हैं। इन दोनों चटनियों को मिलाकर आप गोलगप्पे का खट्टा मीठा पानी भी बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।